ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को तो गणा लताड़ रखा है, और कहते हैं ये मूर्ख मेरी साधना भी ना करते, ब्रह्म की अर्पणी को कहते हैं मेरी साधना करने वाले भी चार प्रकार के हैं, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो अपने जो चार प्रकार, क्योंकि जैसे आर्थ क्या होते हैं, आर्थ का अर्थ है जो संकट निवारण के लिए अनुष्ठान करते हैं, तो वो जो ब्रह्म के उपासक वेदों अनुसार साधना करते हैं, ये अन्य कोई किसी भी ग्रंथ से वो कोई मंत्र नहीं लेते, ना इस तरह की आरती करते जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, इस तरह के वो कोई भी श्लोक या कविता नहीं गाते। जो ब्रह्म उपासक हैं वो केवल वेदों अनुसार वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करते हैं, वो भी चार प्रकार के हैं। एक तो आर्थ, ये वेदों के मंत्रों द्वारा ही अपने संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्र उच्चारण करके अनुष्ठान किया करते हैं, और दूसरे अर्थार्थी यानी धन लाभ करने के लिए, यानी अपने धन वृद्धि बनाने के लिए करने के लिए भी वेदों के मंत्रों के द्वारा ही ये धार्मिक अनुष्ठान बोलते हैं करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु, जो घर से निकले परमात्मा की चाह में और उनको मिल गए आगे वो है घिसे पिटे गुरु, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बताने वाले, वो जिज्ञासु परमात्मा के पाने के लिए निकला था, दस पांच जैसे गुरु संत मिले, उनसे जो ज्ञान खिचड़ी ग्रहण किया, आप गुरु बन बैठा, वक्ता बन गया, वो भी रिजेक्टेड किया हमारे गीता ज्ञानदाता ने, वो भी ठीक नहीं, ये केवल संकट निवारण के लिए ही जो लगे रहते हैं ये भी ठीक नहीं, और धन प्राप्ति के लिए ही जो अनुष्ठानों में अपना जीवन खो देते हैं वो भी ठीक नहीं। धन प्राप्ति में कैसे, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, पहले भी दास ने उदाहरण दिया था लेकिन उसमें गलती से गौतम ऋषि कह दिया था, वो गौतम ऋषि नहीं थे, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, उसने सारे जीवन में वेदों अनुसार अनुष्ठान करके उसने अपना एक धन प्राप्ति के लिए एक सिद्धि प्राप्त की, मंत्र ऐसा मंत्र सिद्ध कर लिया। एक बार राजा परीक्षित को ऋषि ने श्राप दे दिया कि सातवें दिन तुझे ये तक्षक सांप डसेगा, तक्षक सांप इन सर्पों का राजा है पृथ्वी वालों का, और उसके डस जाने के बाद जीव जीवित नहीं रह सकता, इतना विष है। तो तक्षक ने डसना था, उधर से कश्यप को यह पता था कि मैंने एक ऐसा मंत्र सिद्ध कर लिया है कि मैं राजा परीक्षित तो जीवित कर दूंगा, इस मंत्र से उसका विष उतार दूंगा और मैं गणाय धन लेकर ले प्राप्त करूंगा। इस उद्देश्य से चल पड़ा, रस्ते में तक्षक सर्प एक मनुष्य रूप धार के खड़ा था, उसने कहा ऋषि जी कहाँ जा रहे हो, कारण बताया कि राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, राजा मर जाएगा, मेरे पास ऐसा मंत्र है उसको मैं जीवित करूंगा और मैं घनाए धन लेकर वापस आ जाऊंगा। अब तक्षक ने कहा, सर्प ने, कि मैं तक्षक हूं और तू मुझे इसकी परीक्षा दे तेरे मंत्र की, जब मान लूं और जो धन तू राजा से लेना चाहता वो धन मैं दे दूंगा तुझे, तू वहां ना जा। कैसे बोला, नहीं तू क्या धन देगा, राजा गणा देगा मुझे। तो तक्षक ने कहा कि मैं इस सामने वाले पेड़ को अपने डंक मारूंगा और ये जल के नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही किया, सर्प रूप धारण किया, एक सामने पेड़ था उसको डंक मार दिया, एकदम आग लगी उसमें और धड़ाम देसी नीचे गिर गया, खत्म हो गया। अब उस कश्यप ऋषि ने वो वृक्ष की वो टहनी उठाई जो जली हुई थी राख सी,
मंत्र बोल दिया, जो का तो हरा पेड़ खड़ा कर दिया। अब तक्षक ने सोचा या तो बात बिगड़ेगी। तक्षक ने कहा तो ऋषि जी आप वहां ना जाओ, मेरे को ऋषि ने श्राप दे दिया है, मैं तक्षक मैं नहीं डसूंगा और वो मरा नहीं तो वो ऋषि मुझे श्राप दे देगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी। अब आप दो धन चाहिए मेरे से ले लो। अब कश्यप ऋषि माना नहीं। फिर उसने सोचा कि मैं ये तो देख लूं अपनी दिव्य दृष्टि से कि राजा परीक्षित की आगे आयु शेष है या नहीं। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि राजा परीक्षित की आयु शेष नहीं है और सातवें दिन उसकी मृत्यु होनी ही होनी है, उसके बाद शेष नहीं, आयु शेष नहीं है। तब कश्यप ने सोचा बात बिगड़ेगी, परीक्षित को मैं जीवित नहीं कर सकूंगा, मेरी बेइज्जती होएगी, पैसा मिले नहीं। तो उसने उड़े सौदा कर लिया, वहीं पर सौदा कर लिया उस तक्षक सर्प से कि मुझे दे दे धन जो तू देना चाहता है। अब दे दिए हीरे मोती सोना चांदी के लिए बांध ले जागे छड़ी। ऋषि जी गेर कपकड़ पर आ गया उल्टा। अब शर्म मारेगा उस धन ने, जो करना चाहिए थोड़ा भक्ति मोक्ष की वो तो इनका आसपास भी कोई ना। तो पुण्यात्माओं इसलिए इनको भी रिजेक्ट किया है कि ये हैं तो ब्रह्म पुजारी, ब्रह्म वेदों की साधना करने से वाले ब्रह्म की पूजा मानते हैं और सभी ये कहते हैं हम तो ब्रह्म की पूजा करते हैं और पूजा हम नहीं करते। और चौथे ज्ञानी बताए हैं, ज्ञानी वो बताए हैं जिनको ये पता लगा सत्संग के माध्यम से, संतों के विचारों से, सदग्रंथों के विचारों से कि मानव जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि कल्याण करवा ले, पीछा छुटवा ले। और मानव कल्याण के लिए, पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण परमात्मा की ही साधना करनी चाहिए, अन्य देवताओं की पूजा करना मूर्खता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12-15 में तीनों गुण, रजगुण, ब्रह्मा, सद्गुण, विष्णु, तम गुण शिव जी की साधना करने वाले, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते, गीता ज्ञानदाता कहता है, वो ब्रह्म कहता है। तो इन वेदों के जानने वालों को और ज्ञानी आत्माओं को ये पता हो जाता है कि केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना से मोक्ष होगा। लेकिन उन्होंने वेदों को पढ़ा, तत्वदर्शी संत ना मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया